आज बताता हूँ आपको एक, अभी मैं शाबर मंत्र की किताबें पढ़ रहा था अभी। तो भाई पैसा कमाना चाहते हो बता दूं, मंत्रों के द्वारा बता दूं क्या? ऐसे तो सारे अमीर हो जाएंगे। सही बता। हेलो, आ जा, चल अंदर, चल आ जा। आज भाई सुबह सुबह उठ गए, सुबह सुबह देखो क्या ताबड़ तोड़ धूप निकली हुई है भाई, क्या ताबड़ तोड़ धूप निकली हुई है। अरे यार मैं अकेला क्यों चलूं? अकेला क्यों चलूं भाई, बहुत बुरा हाल है। और जबकि मैंने शीशे खुले छोड़ दिए थे गाड़ी। और एक और चीज़ है वो मैं बता नहीं सकता, हमेशा तैयार रखनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, समझ रहे हो? तो अभी गाड़ी में जो है ना थोड़ा सा हमारे डीजल की कमी थी और एक टायर में हवा नहीं थी। मैंने कहा पहले भाई इसको करवाते हैं, इसको खड़ी कर देते हैं ताकि हमें कहीं भी भागना पड़े, निकलना पड़ सके तो हम रेडी रहें, बिल्कुल तत्पर रहें। चल रहा है अकेले से? राकेश एक बंदे का इंटरव्यू करने के लिए कह रहा है। क्या कसोल में कैसे होगा वो इंटरव्यू? समझ लो माल है और इन्हें फूक ली तो दीपक जी देख भी वैसे ही कैमरे में वो बता रहा था रास्ता, वो कह रहा भाई साहब ऐसे भाई राइट ले लो राइट। मैंने कहा बैल तो राइट पर कटी नहीं है कोई कराचा तो लेफ्ट ले लो। मैंने कहा रहा लेफ्ट भी नहीं है कोई कट करा आगे आया। अरे मेरी आंख नहीं खुल रही याद है तुझे? तुझे याद है? अच्छा राइट ले लेना अब। भाई यूथ जो भी है ना, ये भाई उल्टे सीधे नशे करता है ना भाई, भगवान की कसम ये छोड़ दे भगवान। मेरे ऐसे बंदे देखे है ना भगवान की कसम, हम उस बंदे को कह रहे भाई कहां ले, करा मेरी आंख नहीं खुल रही। मैंने कहा फिर कहा ले, करा रोक लो गाड़ी मैं इसकी आंख। और भाई हम रात को ऐसी जगह सुनसान जगह, हम डेढ़ दो भी क्या 3-4 बज रहे थे सुबह के, और भाई दूर दूर तक वहां साढ़े कोई नहीं, लूटपाट का पूरा सीन। मैंने कहा भाई आज कहाँ फंस गए राकेश के दोस्त ने, भाई वो ऐसे फंसा दिया हमें कि भाई बचपन का दोस्त चड्डी बड्डी है ना भैया, राकेश का तो बचपन का ही दोस्त था बिल्कुल चड्डी बड्डी खास एकदम, साथ में खेले कूदे। तो कैसे पड़ गया वैसे नशों में यार? संगत का असर भैया, उसने मेरा साथ छोड़ा किसी और का साथ पकड़ा फिर नशे में आ गया। मेरे साथ में रहता तो बॉडी बन चुकी होती उसकी। अच्छा लेकिन उसका भी बहुत असर आ गया तेरे पे। बताओ छोड़ा हुआ तो बहुत टाइम हो गया भाई। वो राकेश, अगर मैं राकेश को कभी बोल देता हूँ ना, उस बंदे का नाम नहीं ले सकते भाई का हम, तो भाई क्या हुआ राकेश को है ना, मैं एक दिन उसका नाम से बोल दिया, मैं साला तू वही है दूसरा। भाई राकेश कह रहा गाली दे दो भैया आप है, पर उसको वो मत करो, क्या कहते हैं उससे कंपेयर मत करो एक से एक लौटने है भाई। चले फिर भाई, चले शूट करें, चल निकाल लाइटें वाइटें, चलते हैं, वो समझ भी जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई वो समझ जाएगा, देख लो अभी तो कह रहा था नाम बता दो, कह रहा समझ जाएगा। चल चल भाई, अब एक वीडियो शूट करनी है, बहुत मजेदार वीडियो शूट है। चल ऑन कर माइक, चेक कर लेंगे। अबे पागल है, माइक ऑन कर ले, चल नई गाड़ी कब दिलाएगा? बंदे कह रहे भाई कितने दिन से बोल ही बोल रहा है तू, गाड़ी चेंज कर ले भाई, गाड़ी आने वाली है गाइस,
मजाक मत कर, बजाना। मजाक नहीं भैया, देखो गाइस पता है हुआ क्या है हमारे साथ, अब बता देते हैं, सच बता दे सारा, सच बता दे। गाइस बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, सारे टावल ले लेना एक, क्योंकि मेरे टावल का है आंसू रोक नहीं पाओगे आप, ओए रो मत यार, पागल है क्या, कोई आ जाएगी, बहुत दिक्कत हो रही है। ये भी रो पड़ा भाई, बता भाई दिक्कत क्या हो रही है, बता। दिक्कत ये हो रही कि अपनी गाड़ी को गवर्नमेंट ने कर दिया बैन। क्यों? बिकॉज ऑफ बेस 4। मैं बता दूं क्या है, हर 15-20 दिन के लिए ना दिल्ली गवर्नमेंट गाड़ी को बंद करने जा रही है, BS4 इंजन डीजल, जबकि हमारी गाड़ी के भी हमारी गाड़ी के बचे कितने साल है वैसे तो 10 साल बच रहे हैं, 10 साल बचे हैं, बचे ही क्या, चले ही क्या, 2-3 साल तो चली है गाड़ी अभी, ठीक है भाई, लेकिन BS4 के कारण गाड़ी होगी बंद। अब हम गाड़ी ले रहे थे, जो ले रहे थे वो ले रहे थे एंडेवर ले रहे थे 3.2 2020 मॉडल, तो वो बजट में थी अपने अंडर। मैं बताता हूँ आपको, मेरे जो गाड़ी का बजट था ना वो 25 लाख ही था, इससे ज्यादा बजट नहीं था। इससे ज्यादा बजट करने के लिए गाइस दरियलवन @UPI, क्योंकि हम ले लेंगे ये लेटेस्ट मॉडल अभी 2022 वाला जो जिसमें बंद हुआ है ना, हाँ 2.0 ले लेंगे एंडेवर, वो लेकिन वो थोड़ी महंगी है। कितने की है? 25 लाख की है, तो गाइस 25 लाख अपने पास है, बाकी आप सब। अरे तो बजा के खैर, बाकी ये है कि लेकिन जो हमने पता करा ना वो आउट ऑफ बजट आ रही है, 36 लाख तक की आ रही है 2021-22 मॉडल में, जो भी बंद हुई थी 2.0। तो हमने क्या करा, नहीं हमने वर्टस बुक करा दी, और एक जगह से नहीं दो दो जगह से करा दी, दिल्ली से भी और देहरादून से भी। दिल्ली वाले से पैसे वापसी आ गए, देहरादून वाले से पैसे भी वापस लिए नहीं है, पैसे वापस लिए नहीं क्योंकि विचार बन नहीं रहा, क्योंकि मैं अब सीधे गाड़ी इतने टाइम चला चुका हूँ, और हमारे साथ कुछ एक दो रीजन ऐसे हो गए ना, मतलब जैसे आपको मैंने कुछ व्लॉग पहले में बताया था कि कुछ लूटपाट के लिए बंदे पीछे पड़ गए थे, तो भाई एक SUV चाहिए हमें। मेन रीजन वही है हमारा सिडान ना लेने का, क्योंकि हमारे हम गए थे गांव में शूट करने, तो वहां पे करीबन 10 से 15 बाइक हमारे पीछे पड़ गई थी, हम गाड़ी में से लूटपाट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। अगर इन केस अगर वो गाड़ी के आगे कुछ खड़ा कर देते या कुछ कर देते, तो हमारी गाड़ी ये थी कि उसको ठोक के आगे नहीं बढ़ पाती, अगर एंडेवर होती तो उसके ऊपर से निकल जाती। इसीलिए यही है कि हमें ऊंची गाड़ी चाहिए, और फॉर्च्यूनर बहुतों के दिल गाली देंगे कहीं, लेकिन फॉर्च्यूनर भाई नहीं यार, नहीं है, समझो जो चीज़ अपने को चाहिए ना, जो चीज़ हम चला रहे हैं या फिर हम चला चुके हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग फॉर्च्यूनर नहीं है। फॉर्च्यूनर एक ये लगा लो आप, ये फॉर्च्यूनर एक बस एक ऐसा सरिया है जिसके ऊपर ढांचा नहीं है, एक ऐसी इमारत है जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन पिलर तो है लेकिन इंटीरियर नहीं हुआ हुआ, समझ रहा, जैसे अब ये कमरा है इसमें खाली ईटों की पुताई कर दे, अंदर से बैठ के जो फील आए गाड़ी के अंदर वो चीज नहीं है, इतने पैसे लगाने के बावजूद भी। वो एंडेवर है, पजैरो भी सोच रहे थे एक टाइम पे, पजैरो तो हमारे बहुत बजट में आ रही थी, लेकिन पजैरो का भी सीन वही पड़ गया BS4 वाला। फिर हमने सोची ईसुजू हमारी दो कारणों से जो है फेल हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनुअल गाड़ी नहीं ले सकते भाई, और एक वो फैमिली कार भी नहीं है। हाँ okay. अब जैसे कि सोचो शादी ब्याह में जाना हो कहीं जाना, अब मैं 10-10 गाड़ी तो ले नहीं सकता भाई, इतना तो अमीर का हूँ मैं, ठीक है। नहीं भाई ऐसा है क्या, वैसे एक टाइम में 3-3 गाड़ी भी रखी हुई है। बस ठीक है भाई, बाकी गाइस कुछ नहीं है, आप जैसे मेन चैनल पे सपोर्ट कर रहे हो ऐसे ही अगर ब्लॉग चैनल पे भी सपोर्ट करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, साड़ी फरारी से भी स्पीति घुमाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं लाइफ में, सपने बहुत ऊँचे हैं माँ की आँख ले। वाह भाई वाह, अब राकेश को एडिटिंग की वो नहीं आएगी, दिक्कत है, राकेश बहाने मारा करता था ना एडिट करते समय, अगली मारेगा बहाने है भैया, राकेश बहाने मारता था एडिटिंग के लिए, अब
अरे आराम से हो अंदर ही खोल ले पहले, ऑफिस खोल ले, ऑफिस खोल पहले। चाबी कहाँ है? इसके लिए ना नया बाउल लेके आए हैं अभी, ताकि पानी ठंडा रहे। ये इसको भागे जा रहा है, पागल मेंटल है भाई ये। क्या हो गया, क्या हुआ पाशे? है अरे ओ ओ ओ सनीचर राकेश, इसे देख तू, उसे भौंक रहा है पानी पीने वाले को। पानी पी ले, पानी पी ले बेटी। अजीब सा लग रहा होगा ना, क्या चीज़ है? नहीं उसके में से मिट्टी की स्मेल आ रही है, इसलिए खोदने की कोशिश कर रहा है उसको, तुझे कह रहा है। बस अरे वाह, चाल लिया ना उसे, अब आराम से पीना है सिर्फ। भाई आज बताता हूँ आपको एक, अभी मैं शाबर मंत्र की किताबें पढ़ रहा था, अभी तो हम जा रहे हैं एयरटेल के शोरूम पे, जरा हमारा वाईफाई नहीं चल रहा तो, और जियो वालों का वाईफाई नहीं चल रहा तो एयरटेल वाले पे जा रहे हैं रिप्लेस करवाने। तो अभी राकेश काफी दिनों से बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत। आप देख ही रहोगे आगे आने वाले व्लॉग में भी देख सकते हो कि मेरी शॉपिंग वॉपिंग आजकल ज्यादा हो रही है। वो पहले व्लॉग में देख लिया इन्होंने? नहीं अभी कहाँ डला है वो, अबे तो ये तो उसके बाद ही डलेगा। अच्छा हाँ वो शॉपिंग वाले व्लॉग तो अपने पहले देखा। तो भाई पैसा कमाना चाहते हो बता दूं, मंत्रों के द्वारा बता दूं क्या? ऐसे तो सारे अमीर हो जाएंगे। सही बता, एक शर्त पे बताओ। इसके एंड में बताता हूँ, ब्लॉक के एंड में बताता हूँ, ब्लॉक के एंड में बताता हूँ, ब्लॉक के एंड में बताता हूँ। हाँ हो गया क्या स्टार्ट? वो कुछ नहीं, मंत्र पैसा कमाना। तो भाई वो तो बंद है एयरटेल का शोरूम तो? हाँ एयरटेल स्टोर बंद है भाई, 7 बजे बंद करके भाग जाते हैं, क्या चक्कर है भाई? ये ब्रो डोंट नो, चलो भैया ग्रीन लाइट करिए ना यार। चलो भाई घर चले। अरे भाई ये जो डॉग गई है ना इधर, ये बहुत प्यारी है यार, चली गई उधर, ये भी अभी देखना इसको खाना खिलाएंगे भाई, बहुत प्यारी डॉग है। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया है भाई? आ जाए इधर आज को काड़ू साले तेल दो एक मिनट में। भाई डॉग्स को खाना खिलाने आया था, पता नहीं कहाँ चले गए यार सारे, मुझे तो लग रहा था मेरा वेट कर रहे होंगे लेकिन है ही नहीं, एक भी नहीं है, एक भी डॉग नहीं है। वो भी वो उस अंकल का है, वो वाला कुत्ता भी है जो। चलो चलते हैं। अब ये हो गया फ्रेंडली थोड़ा सा, अब ये पिए जा रहा है इससे पानी कंटिन्यू, और ये कुछ ज़्यादा ही पानी पी रहा है यार इसमें ना, मतलब नॉर्मल जो ये बर्तन हुआ करता था ना उसमें इतना पानी नहीं पीता था जितना इसमें पी रहा है ये। मैं ना गाइस आज कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे, सारे मतलब इम्पोर्टेड फ्रूट्स, तो मैंगो जो थे वो बाहर से आए थे, तो मैंने बैंगलोर का तरबूज मंगवाया गाइस। अब आप तरबूज का कलर देखो, ये देखो, देख रहे हो येलो, देखा है पहले कभी येलो तरबूज? और ट्रस्ट मी इतना मीठा तरबूज लाइफ में कभी नहीं खाया मैंने भाई, कसम से। रात गाइस व्लॉग एंड करना ही भूल गए,
अभी कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, जिसके लिए आप रुके हुए हो, शावर मंत्र कुछ इसका, गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम पे रील लगी हुई है, 100% ऑथेंटिक रील है, जाके देखो, मजा आ जाएगा। क्योंकि उसके अंदर सच में कुछ प्रैक्टिकलिटी के थ्रू चीजें बताई गई हैं, शावर मंत्र के द्वारा कैसे आप अपना मंगल ग्रह और बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं, सब चीजें उसमें है। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार सब्सक्राइब, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। लेट मी टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूं आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।